बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो कि है तीसरा लेक्चर है वो है रूल ऑफ नाइट्रोजन। रूल ऑफ नाइट्रोजन में आप देखिए बेटा, नाइट्रोजन जो कि है नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट नीडेड बाय ऑल प्लांट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ। नाइट्रोजन जो कि है एक एसेंशियल इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट से, मैंने पहले भी कहा है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर लार्ज क्वांटिटी। वो इसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि है वो नाइट्रोजन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि नीडेड होते हैं फॉर प्लांट्स के लिए, जो कि है फॉर हेल्थी ग्रोथ के लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखिए बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन की जो इम्पोर्टेंस है ये क्या है। मेजर कंपोनेंट्स जो के है, मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स है, क्लोरोपिल मॉलिक्यूल है, विटामिन्स है, एंजाइम्स है, यानी मीन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जो के है प्रोटीन के है, क्लोरोपिल मॉलिक्यूल के है, विटामिन्स के है, एंजाइम्स के भी हैं। अगर हम देखें इसमें आप देखें नंबर वन जो कि है वो वेजिटेटिव ग्रोथ में क्या हेल्प करते हैं। नंबर वन एक हेडिंग है इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है मेजर फैक्टर इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। नाइट्रोजन जो क्या है मेटाबॉलिज्म है एक मेजर फैक्टर है इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ में, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी नाइट्रोजन जो कि है स्टेम ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं एंड लीफ ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। नाइट्रोजन स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट रूट एनेबलिंग द प्लांट टू टेक इन मोर वाटर एंड न्यूट्रंट, सो द प्लांट ग्रो मोर रैपिडली। नाइट्रोजन जो कि है वो स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं रूट्स को, और रूट्स को इसके काबिल बनाते हैं जे दैट द प्लांट टू टेक मोर वाटर विद द हेल्प ऑफ रूट्स एंड मोर न्यूट्रिएंट्स विद द हेल्प ऑफ रूट विद डिफरेंट प्रोसेस बाय ऑस्मोसिस एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट्स के जरिए। सो द प्लांट दे विल ग्रो रैपिडली। जब वो यानी मीन प्लांट जो कि है इसकी रूट जो कि है हेल्दी होते हैं, हेल्दी होते हैं तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को टेक ओवर करते हैं। यानी मीन इट्स मतलब ये है कि यानी दे विल टेक मोर न्यूट्रिएंट, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वो टेक करते हैं, हासिल करते हैं, एंड दे विल ग्रो रैपिडली, और बहुत ज़्यादा यानी मीन रैपिडली इसकी ग्रोथ होती है। इसमें अगर आप तीसरा हेडिंग देखें इसमें प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड नाइट्रोजन इज द की एलिमेंट इन ऑल अमाइनो एसिड। प्रोटीन जो कि है नाइट्रोजन जो कि है इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, एक अहम रोल अदा करते हैं प्रोटीन जो कि है वो, यानी मेड ऑफ जो कि है कैसे बनते हैं अमाइनो एसिड से, एंड नाइट्रोजन इज द की एलिमेंट इन ऑल अमाइनो एसिड। ऑल अमाइनो एसिड में आप देखें बेटा नाइट्रोजन जो कि है एक की एलिमेंट यानी खास किरदार की एलिमेंट का किरदार है। अगर आप देखें स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड अगर आप देखें इसमें इसमें अगर आप देखें अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है, एक है कार्बोक्सिलर जो ग्रुप जो कि है वो वेरिएंट है, यानी दूसरा जो कि है कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं। इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। इसमें एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग प्रोसेस है लिंकेज बाई पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए, तो ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वो जो के बनाते हैं ये अमाइनो एसिड के स्पेनिंग। यानी द केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि है अमाइनो एसिड ऑफ प्रोटीन डिटरमाइन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ वन, यानी मींस अगर आप देखें केमिकल प्रॉपर्टीज आप अमाइनो एसिड की देखें, आप अमाइनो एसिड ऑफ प्रोटीन की आप देखिए तो प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को डिटर्मिनेशन के बयान करते हैं, यानी डिटरमाइन करते हैं।
अगर आप देखिए बेटा, इसमें अगर आप देखिए सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन जो कि है क्या है, सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन जो कि है वो ये है। इसमें आप देखिए बेटा, सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट नंबर वन सोर्सेज है नाइट्रोजन इज एम्बंडेंट इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन जो कि है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा एबंडेंट अमाउंट में मौजूद होते हैं, जो कि प्लांट रिक्वायर नाइट्रोजन इज ए नाइट्रेट। प्लांट जो कि है नाइट्रोजन इज ए नाइट्रेट फॉर्म के, यानी NO3 फॉर्म यानी रिक्वायर्ड होते हैं, लेते हैं। और अमोनिया यानी मीन अमोनियम आयन के फॉर्म में लेते हैं। तो ये है फर्स्ट यानी सोर्स। दूसरा जो कि है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स आर अमोनियम बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग विद इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये होते हैं, ये प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसमें एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू नाइट्रेट्स आर अमोनियम आयन में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसको एजोबैक्टीरिया, नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया जो कि है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, वो जो जो ग्यूमेनेसी प्लांट्स के नेड्यूल्स में रहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि है वो कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रेट सारा अमोनियम आयन फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहे, इसको हम सिंपली नाइट्रोजन फिक्सेशन। डिफिनेशन थी आप नाइट्रोजन में, आप देखे बेटा इसमें नाइट्रोजन की जब डिफिशियंसी आती है तो इसकी काजिस है ये, तो कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं नाइट्रोजन डिफिशियंसी इन प्लांट काजिंग। जब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी प्लांट्स में आते हैं तो क्या होते हैं, अगर आप देखें बेटा इसमें रिड्यूस यील्ड यानी मींस इसमें आप देखें बेटा रिड्यूस यील्ड मीन मतलब इसमें पैदावार की कमी होती है, यलोंग या विंग ऑफ लीव्स होती है। ये लीव्स जो कि है वो पेल येलो होते हैं, जर्द माइल होते हैं, स्टंटेड ग्रोथ होते हैं, यानी प्लांट्स की जो कद है वो छोटा रह जाता है। एक्सिस ऑफ नाइट्रोजन, अगर आप देखें एक्सिस ऑफ नाइट्रोजन जो कि है नाइट्रोजन डिफिशियंसी जो कि है ये मुख्तलिफ किस्में फैक्टर पास करते हैं। अगर आप देखें इसमें नाइट्रोजन की जो एक्सेस होती है वो प्लांट्स में, फिर क्या होता है, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन जो कि है टू मच नाइट्रोजन अप्लाई कैन डिले फ्लावरिंग एंड रूटिंग। एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन की पेराहमी जो कि प्लांट्स में यानी प्लांट्स के लिए, तो एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन हम प्रोवाइड करते हैं प्लांट के लिए, तो इसमें तो फिर वो फ्लावरिंग एंड रूटिंग वो डिले करते हैं, नहीं तो फिर पौधा जो कि है बहुत देर तक यानी बहुत देर बाद फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करते हैं। तो ये है जो कि है रूल ऑफ नाइट्रोजन जो कि है मैंने बयान की है। इसके मैंने मुख्तलिफ फैक्टर सोर्सेज भी बयान किए, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन है, डिफिशेंसी है, ये वो मुख्तलिफ जो कि है फैक्टर्स है जो नाइट्रोजन की जो है मैंने बयान की है। रूल भी मैंने बयान की है, रूल के रूल में अगर आप देखें एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं यानी मीन द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स है, प्रोटीन में जो कि है वो नाइट्रोजन की एक खास इम्पोर्टेंट रूल है। मैंने पहले भी कहा है कि नाइट्रोजन इज ए की, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑल अमीनो एसिड, अमीनो एसिड इज ए की कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी मौजूद है, विटामिन्स में भी मौजूद है, एंजाइम्स में, एंजाइम्स में किस तरह एंजाइम जो कि है वो स्पेसिफिकली प्रोटीन्स है, और प्रोटीन में जाहिर बात है प्रोटीन में नाइट्रोजन जो कि है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। थैंक यू।